हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। सो आज के लेक्चर में हम डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम उसका स्टेटमेंट और प्रूफ दोनों देखेंगे। हम आपको एक एक स्टेप समझाएंगे, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट। सो यहाँ पर लिखा हुआ है इफ ए एन इज अ सीरीज। ए एन क्या है? एक सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ए एन क्या है? एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की। एंड इफ अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फाइनेट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू एल है, देन तब क्या होगा? अगर एल की वैल्यू जीरो या एक के बीच में होगी, देन सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इफ जीरो लेस देन एल लेस देन वन, अगर एल की वैल्यू जीरो से बड़ी या एक से छोटी, यानी कि जीरो या एक के बीच में होगी, देन सीरीज ए एन क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। अगर एल की वैल्यू इफ एल ग्रेटर देन वन, एल की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, सो सीरीज ए एन क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और इफ एल इक्वल्स टू वन, अगर एल की वैल्यू वन होगी, देन टेस्ट इज फेल। सो टेस्ट इज फेल, इसका मतलब क्या होता है? ये जो रेशियो टेस्ट है वो हमको बताता नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक है, सो स्टेटमेंट हमने क्या स्टडी किया? इफ ए एन इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। ए एन क्या है? एक सीरीज है पॉजिटिव टर्म्स की। एंड इफ अगर लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू एल है, तब एल क्या है यहाँ पर? लिमिट। तब इफ यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट जो है, ठीक है, यहाँ पर इफ जीरो लेस देन एल लेस देन वन, यानी कि जो लिमिट है उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो से बड़ी या एक से छोटी होगी, यानी कि एल की वैल्यू, लिमिट की वैल्यू जीरो या एक के बीच में होगी, तो सीरीज ए एन क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। इफ एल ग्रेटर देन वन, लिमिट की वैल्यू एक से बड़ी होगी, तो सीरीज ए एन क्या होगी? डाइवर्जेंट होगी। और अगर इफ एल इक्वल्स टू वन, जो लिमिट है उसकी वैल्यू एक होगी, देन टेस्ट इज फेल। यानी कि जो रेशियो टेस्ट है वो हमको बताता नहीं है कि सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट। ठीक है, सो ये था इसका स्टेटमेंट। सो अभी हम इसका प्रूफ देखते हैं। सो अभी हम प्रूफ देखते हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले लिखेंगे लेट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू एल। हमको ये आगे मिला हुआ था, सो यहाँ पर ये लिखेंगे लिमिट लेट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू एल फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव। फॉर सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ये होगा, फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। अगर हम ये एल जो है उसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा? ये प्लस एल माइनस एल हो जाएगा, सच दैट ए एन प्लस वन बाय ए एन माइनस एल, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन से कैसी होगी? छोटी होगी। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एन नॉट। सो प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेट लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू एल, ये हमको आगे मिला हुआ था। फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव, सभी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए यही होगा। देन देयर एग्जिस्ट, उसकी एग्जिस्ट क्या होगी? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, हमको क्या मिलेगा? ये एल इस तरफ आ जाएगा। सो ए एन प्लस वन बाय ए एन माइनस एल, वो क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन से कैसा होगा? छोटा होगा। फॉर एवरी एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। सो अभी हम क्या करते हैं? तीन केस देखते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला केस देखते हैं, केस वन, जिसमें हम सबसे पहले नंबर पर क्या लेंगे? लेट जीरो लेस देन एल लेस देन वन, यानी कि जो लिमिट है हमारी उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो से बड़ी और एक से छोटी। ठीक है, यानी कि जीरो और एक के बीच में होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेट जीरो लेस देन एल लेस देन वन। सो हम इसको फिगर के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जीरो है, फिर यहाँ पर वन है, इसके बीच में होगी एल की वैल्यू। सो यहाँ पर हम बीच में कहीं पर भी एल की वैल्यू लग सकते हैं। सो हम क्या करते हैं? एल से एक इस तरफ और एक वैल्यू इस तरफ, हम एक पॉइंट लेते हैं। सो इस तरफ क्या लेते हैं? जो इतना डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, हम इसको क्या कहते हैं? एप्सिलॉन कहते हैं। सो एल के इस तरफ का डिस्टेंस क्या होगा? ये एल और ये एप्सिलॉन। सो ये क्या होगा? एल प्लस एप्सिलॉन। जो वन के साइड की होगी वो क्या होगा? एल प्लस एप्सिलॉन। और ये जीरो तरफ की जो होगी वो क्या डिक्रीज होगी? सो एल माइनस एप्सिलॉन। सो ये वैल्यू कितनी होगी? एल माइनस एप्सिलॉन। और वन की तरफ जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो वो होगी एल प्लस एप्सिलॉन। सो यहाँ पर जो एल प्लस एप्सिलॉन होगी उसको हम क्या कहेंगे? आर कहेंगे। ठीक है, हम जो भी आर की वैल्यू लेंगे वो किस तरफ की लेंगे? जो वैल्यू वन की तरफ होगी उसकी वैल्यू हम लेंगे। यानी कि यहाँ पर एल से वन की तरफ कौन सी वैल्यू जा रही है? एल प्लस एप्सिलॉन। अगर यहाँ पर वन होता तो हम क्या लेते? एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, सो केस हमने क्या लिया? सबसे पहले जीरो और वन के बीच में एक पॉइंट लिया एल, वहाँ पर एल से दो पॉइंट लिए आसपास, यहाँ पर था एल माइनस एप्सिलॉन और एक की तरफ था वो क्या था? एल प्लस एप्सिलॉन, जिसके इक्वल टू हमने क्या लिया? आर लिया। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं? ये हमने जो स्टडी किया उसको हम क्या कहते हैं? इसको इक्वेशन नंबर वन कहते हैं। सो अभी हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, हम इक्वेशन वन को क्या यही लिखते हैं? ए एन प्लस वन बाय ए एन माइनस एल, और क्या होगा? लेस देन एप्सिलॉन, ये हमको मिला हुआ है। सो अभी हम क्या करते हैं? ए एन प्लस वन बाय ए एन, ये एल जो है उसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा? ये लेस देन वैसे का वैसा, ये एप्सिलॉन भी वैसे कैसा, और माइनस एल इस तरफ आ गया तो क्या होगा? प्लस एल। तो यहाँ पर हमने देखा एल प्लस एप्सिलॉन, सो वो क्या होगा? एल प्लस एप्सिलॉन, यानी कि एप्सिलॉन प्लस एल वो क्या होगा? आर होगा। सो हम लिखेंगे ए एन प्लस वन बाय ए एन लेस देन क्या होगा? आर होगा। अभी हम क्या करते हैं? ये जो ए एन है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या होगा? ए एन प्लस वन लेस देन क्या होगा? आर इंटू ए एन। अभी हम क्या करते हैं? जहाँ पर भी ए एन होगा, एन होगा उसको हम क्या करते हैं? एन नॉट कर देते। सो क्या होगा? ए
एन नॉट प्लस वन लेस देन आर इंटू ए एन नॉट। हमने क्या किया, जहाँ पर भी n था वहाँ पर हमने क्या किया, n नॉट किया। अभी हम क्या करते हैं, जहाँ पर भी n नॉट है वहाँ पर n नॉट में एक प्लस करते हैं। सो देखिए यहाँ पर क्या है, a n नॉट प्लस वन है, सो हम क्या करेंगे, a n नॉट में एक ऐड करेंगे। सो n नॉट प्लस वन था तो n नॉट प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर लिखेंगे लेस देन r इंटू, यहाँ पर a n नॉट है सो a n नॉट प्लस वन। सबसे पहले हमने क्या किया, जो n था उसमें n नॉट किया, फिर n नॉट का हमने क्या किया, n नॉट में प्लस वन ऐड किया। सो n नॉट प्लस वन था सो n नॉट प्लस टू हो गया, और यहाँ पर n नॉट था तो उसका क्या हो गया, n नॉट प्लस वन। सो देखिए इसके इक्वल टू हम और क्या लिख सकते हैं, ये लेस देन वैसे का वैसा रखेंगे और ये r भी वैसे का वैसा इंटू a n नॉट प्लस वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये a n नॉट प्लस वन उसकी जगह हम लिख सकते हैं r इंटू a n नॉट, ठीक है। सो a n नॉट प्लस टू उसके लेस देन में हम क्या लिखेंगे, ये r इंटू r क्या होगा, r स्क्वायर इंटू a n नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर हमको क्या मिला, a n नॉट प्लस टू लेस देन क्या मिला, r स्क्वायर इंटू a n नॉट। वैसे हम क्या लिखेंगे, a n नॉट प्लस थ्री करेंगे सो हमको क्या मिलेगा, लेस देन r क्यूब इंटू a n नॉट। फिर हम क्या करेंगे, a n नॉट प्लस फोर लेंगे सो लेस देन में हमको क्या मिलेगा, r रेस टू फोर इंटू a n नॉट। सो यहाँ पर हमको जहाँ पर भी a n नॉट मिला है, ये n नॉट प्लस वन यहाँ पर n नॉट है सो उसको हम इक्वेशन नंबर वन देंगे। फिर n का स्क्वायर r का स्क्वायर और a n नॉट उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर टू। फिर देखिए यहाँ पर हमने जो n नॉट प्लस थ्री लिया था उसको हम देंगे इक्वेशन नंबर थ्री, इसको देंगे इक्वेशन नंबर फोर। सो अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन वन टू थ्री और फोर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वैसे हम a n नॉट प्लस फाइव ले सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, नाउ वी एड इक्वेशन वन टू थ्री अप टू हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो सबसे पहले हमको लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे। सो लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए एन नॉट प्लस वन, सो हम लिखेंगे ए एन नॉट प्लस वन। प्लस क्या ऐड करेंगे, ए एन नॉट प्लस टू सो ए एन नॉट प्लस टू। उसके बाद क्या था, ए एन नॉट प्लस थ्री, ए एन नॉट प्लस थ्री, ऐसे ही आगे तक चला जाएगा अप टू। फिर क्या था, यहाँ पर लेस देन था तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेस देन करेंगे। फिर राइट साइड में क्या था, r इंटू ए एन नॉट। फिर यहाँ पर राइट साइड में क्या था, r स्क्वायर इंटू ए एन नॉट सो प्लस r स्क्वायर इंटू ए एन नॉट। फिर यहाँ पर क्या था, r क्यूब इंटू ए एन नॉट प्लस r क्यूब इंटू ए एन नॉट, ये भी प्लस आगे चला जाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, ये देखिए ये जो लेफ्ट साइड वाला टर्म है उसको हम वैसे का वैसा रखते हैं। सो ए एन नॉट प्लस वन प्लस ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन नॉट प्लस थ्री और प्लस अप टू आगे चला जाएगा। सो लेस देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ए एन नॉट सभी में कॉमन है सो हम क्या करते हैं, ए एन नॉट को कॉमन लेते हैं। सो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आर प्लस यहाँ बचेगा आर स्क्वायर, फिर यहाँ बचेगा आर क्यूब, वैसे ही आर रेस टू फोर सब अंदर बचेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, ये लेफ्ट साइड वाला टर्म वैसे का वैसा, ए एन नॉट प्लस वन प्लस ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन नॉट प्लस थ्री प्लस अप टू आगे चला जाएगा। और ये लेस देन क्या होगा, ये ए एन नॉट वैसे का वैसा। सो ये जो रहा आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ये क्या है, एक सीरीज है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है जो क्या होती है, आर बाय वन माइनस आर, ठीक है। सो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस अप टू आगे जाती है, ये क्या है, एक सीरीज है जिसकी फिक्स वैल्यू क्या होती है, इसका फॉर्मूला आर बाय वन माइनस आर, ठीक है। हम नीचे क्या लिखेंगे, हियर देखिए केस वन के लिए हमको यही फॉर्मूला चाहिए था वो मिल गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हियर जो सीरीज ए एन है, सीरीज ए एन इज बाउंडेड, सीरीज ए एन क्या है, यहाँ पर बाउंडेड है, देन सीरीज एन इज बाउंडेड। सो हम लिखेंगे सीरीज ए एन, अगर सीरीज एन बाउंडेड है तो वो क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। सो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। सो केस वन में हमको क्या मिला, सीरीज ए एन जो थी वो क्या थी, बाउंडेड, और वो क्या है, कन्वर्जेंट। अगर बाउंडेड हो तो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। सो हमने लिख दिया, हियर सीरीज ए एन इज बाउंडेड देन सो सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट। अभी हम केस टू देखते हैं। सो केस टू में हमारे पास क्या था, लेट L ग्रेटर देन वन, हमारे पास L की वैल्यू कितनी थी, एक से बड़ी थी। सो यहाँ पर हम उसको भी फिगर के थ्रू समझते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे जीरो, फिर लेंगे वन, और L की वैल्यू क्या है, एक से बड़ी है। सो यहाँ पर क्या होगा, L, हम राइट साइड में एक पॉइंट लेते हैं, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट लेते हैं। सो L से इस तरफ क्या होगा, L प्लस एप्सिलॉन, लेफ्ट साइड में जो भी कोई नंबर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। सो यहाँ पर L माइनस एप्सिलॉन। सो हम कोई भी टर्म क्या लेंगे, जो भी टर्म वन की तरफ होगा वो टर्म लेंगे। सो वन की तरफ कौन सा टर्म है, L माइनस एप्सिलॉन। सो हम इसके इक्वल टू को क्या लेंगे, R लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर R इक्वल टू क्या है, L माइनस एप्सिलॉन। हम यहीं पर हम वैसा ही लिखेंगे फ्रॉम, तो अभी हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन। हमारा इक्वेशन वन क्या था, ए एन प्लस वन
बाय ए एन माइनस एल लेस देन एप्साइलॉन। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, ये एल को इस तरफ ले जाते हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, ए एन प्लस वन बाय ए एन ये लेस देन होगा, ये एल इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, एल प्लस एप्साइलॉन प्लस एल, ये एल माइनस है इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। सो अभी देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन बाय ए एन ये लेस देन एप्साइलॉन प्लस एल है। ठीक है, एप्साइलॉन प्लस एल, सो इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम एप्साइलॉन प्लस एल है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, एल प्लस एप्साइलॉन भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरफ क्या होगा, ये एल माइनस एप्साइलॉन होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई पॉइंट है जीरो, इसके इस तरफ क्या आता है, वन आता है, इस तरफ माइनस वन आता है, सो हम क्या लिख सकते हैं, जब कोई पॉइंट है एन प्लस वन बाय एन उसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एल प्लस एप्साइलॉन, सो उसके इस तरफ क्या हम लिख सकते हैं, एल माइनस एप्साइलॉन लिख सकते हैं, सो पर हम क्या लेंगे, एल माइनस एप्साइलॉन और लेस देन ये ए एन प्लस वन बाय ए एन वैसे का वैसा। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए इसको हम उल्टा लिखते हैं, सो क्या होगा, ए एन प्लस वन बाय ए एन जो क्या होगा ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन, और एल माइनस एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। ठीक है, सो हम लिखेंगे ए एन प्लस वन बाय ए एन ग्रेटर देन आर। तो अभी हम क्या करते हैं, इस ए एन को इस तरफ ले जाते हैं, सो क्या होगा, ए एन प्लस वन ग्रेटर देन आर इंटू ए एन, सेम जैसे हमने केस वन में किया था वैसे यहाँ पर हम करेंगे, जहाँ पर ए एन है वहाँ पर एन की जगह हम क्या करेंगे, एन नॉट करेंगे, और एन नॉट में क्या करेंगे, एक एक ऐड करते जाएंगे। सो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे ए एन नॉट प्लस वन वो क्या होगा ग्रेटर देन आर इंटू ए एन नॉट, तो जहाँ पर भी एन नॉट आता है उसको हम क्या देंगे, इक्वेशन नंबर वन देंगे केस टू के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एन नॉट में एक ऐड करते, सो एन नॉट प्लस टू ग्रेटर देन आर इंटू ए एन नॉट प्लस वन, सो ग्रेटर देन ये आर वैसे का वैसा, हम ए एन नॉट प्लस वन की जगह क्या लिख सकते हैं, आर इंटू ए एन नॉट, सो ए एन नॉट प्लस टू क्या होगा ग्रेटर देन ये आर, और आर क्या होगा आर स्क्वायर इंटू ए एन नॉट, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर टू। वैसे ही ए एन नॉट प्लस थ्री के लिए लिखते जो क्या होगा ग्रेटर देन आर क्यूब इंटू ए एन नॉट। ठीक है, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर थ्री, सो हम वैसा ही करेंगे, नाउ वी एड इक्वेशन वन टू थ्री और सारे इक्वेशन हम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये ए एन नॉट प्लस वन वाला लिखेंगे, ए एन नॉट प्लस वन प्लस क्या होगा ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन नॉट प्लस थ्री, इस तरफ क्या होगा, यहाँ पर इस बार ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन यहाँ पर क्या था आर इंटू ए एन नॉट, सो आर इंटू ए एन नॉट प्लस आर स्क्वेयर इंटू ए एन नॉट प्लस आर क्यूब इंटू ए एन नॉट, सो यहाँ पर भी आगे चला जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आगे होगा। ठीक है, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से भी हम ए एन नॉट को कॉमन लेंगे, सो लेफ्ट साइड वाला टर्म वैसे का वैसा रहेगा, सो ए एन नॉट प्लस वन प्लस ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन नॉट प्लस थ्री प्लस अप टू ग्रेटर देन, यहाँ से हम ए एन नॉट को कॉमन लेंगे, सो ए एन नॉट, सो आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब प्लस आगे तक जाएगा, सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लेफ्ट वाला टर्म वैसे का वैसा, ए एन नॉट प्लस वन प्लस ए एन नॉट प्लस टू प्लस ए एन नॉट प्लस थ्री प्लस आगे तक जाएगा, और वो क्या होगा ग्रेटर देन ए एन नॉट वैसे का वैसा, और इसका फॉर्मूला क्या होगा आर बाय वन माइनस आर। ठीक है, सो केस वन और केस टू में क्या फर्क था, जो केस वन था उसके अंदर क्या था सिर्फ लेस देन था, और केस टू के अंदर क्या है ग्रेटर देन है, सो ये जो सीरीज है वो क्या है बाउंडेड नहीं है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर सीरीज ए एन इज नॉट बाउंडेड, सो सीरीज बाउंडेड नहीं होगी तो कन्वर्जन नहीं होगी, सो हम लिखेंगे सीरीज ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट, नॉट कन्वर्जेंट यानी कि क्या होगा सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। ठीक है, सो केस टू यहाँ पर खत्म होता है, सो अभी हम केस थ्री देखते हैं, सो अभी हम केस थ्री लिखते हैं जिसके अंदर हम क्या लेंगे लेट एल इक्वल्स टू वन। सो यहाँ पर केस थ्री के लिए हम क्या करेंगे दो सीरीज कंसिडर करेंगे, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर वी कंसिडर फॉलोइंग टू सीरीज, दो सीरीज लेंगे जिसमें से एक क्या होगी कन्वर्जेंट होगी और दूसरी डाइवर्जेंट होगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वन इज कन्वर्जेंट एंड अनदर इज डाइवर्जेंट, हम क्या लिखेंगे बट फॉर बोथ द सीरीज, फॉर बोथ द सीरीज दोनों सीरीज के लिए, बट फॉर बोथ द सीरीज लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट, हमारे पास क्या था फॉर्मूला नंबर वन ए एन
प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको वन, क्योंकि हमारे पास लिमिट एल इक्वल्स टू क्या है वन। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, हियर वी कंसीडर फॉलोइंग टू सीरीज, यहाँ पर क्या करेंगे हम दो सीरीज कंसीडर करेंगे, वन इज कन्वर्जेंट एंड अनदर इज डाइवर्जेंट। जिसमें से दो सीरीज होगी उसमें से एक क्या होगी कन्वर्जेंट होगी और दूसरी डाइवर्जेंट होगी, बट फॉर बोथ द सीरीज, बट दोनों सीरीज के लिए लिमिट क्या होगी उसकी वन, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिया एल इक्वल्स टू वन, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एन प्लस वन बाय एन इक्वल्स टू एल। जिसमें से सबसे पहली सीरीज है वो है ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन और दूसरी सीरीज जो है वो क्या होगी ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन स्क्वेयर। ठीक है, सो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर वन लेते हैं, हियर ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन। तो जब भी केस थ्री आएगा तो उसके लिए हमको कंपैरिजन टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ पर देखिए ए एन की ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन, सो एन की पावर यहाँ पर कितनी है वन, सो पी इक्वल्स टू क्या होगा वन। तो अगर पी इक्वल्स टू वन होगा सो सीरीज क्या होगी डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन, सो पी इक्वल्स टू वन इज डाइवर्जेंट, पी इक्वल्स टू वन होगा वो क्या है डाइवर्जेंट होगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे, नाउ हम लिमिट अप्लाई करते हैं, सो लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमको क्या दी हुई है ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन। अगर हम ए एन प्लस वन करेंगे सो जहाँ पर भी एन होगा उसमें प्लस वन ऐड होगा, सो वन बाय क्या होगा एन प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, ए में यहाँ पर एन में हमने प्लस वन ऐड किया, सो यहाँ पर भी एन में हम क्या करेंगे प्लस वन ऐड करेंगे, सो ए एन प्लस वन क्या होगा यहाँ पर हमारे पास वन बाय एन प्लस वन और नीचे क्या आएगा ए एन जो कितना है वन बाय एन। सो इक्वल टू क्या होगा ये जो एन है वो ऊपर चला जाएगा और नीचे एन प्लस वन। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल टू हम क्या करते हैं एन कॉमन लेते हैं, सो एन वैसे क्या वैसा ऊपर वाला, नीचे से एन कॉमन लेंगे सो वन प्लस वन बाय एन, सो एन एन कैंसिल हो जाएगा, सो क्या बचेगा हमारे पास वन बाय वन प्लस वन बाय एन। सो अभी हम लिमिट क्या पुट करते हैं, सो अभी हम लिमिट इनफाइनाइट पुट करते हैं, सो इक्वल टू क्या रहेगा वन बाय वन प्लस वन अपॉन इनफाइनाइट यानी कि जीरो। सो इक्वल टू क्या रहेगा हमको लिमिट कितनी मिलेगी वन, यहाँ पर हमने लिया ही था एल इक्वल टू वन। ठीक है, सो ये क्या था केस नंबर वन, जिसके अंदर हमने क्या किया था जो सीरीज थी एक पहली सीरीज ए एन इक्वल टू वन बाय एन जो क्या थी डाइवर्जेंट थी और उसमें लिमिट कितनी मिली हमको वन। सो अभी उसके अंदर नंबर टू देखते हैं जिसमें क्या था सीरीज ए एन इक्वल टू वन बाय एन स्क्वेयर। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं पी इक्वल टू क्या है टू, सो यहाँ पर हम लिखेंगे हियर पी इक्वल टू टू इज कन्वर्जेंट, पी की वैल्यू जो है वो एक से ज़्यादा है सो सीरीज क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। सो यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई करते हैं, हम लिखेंगे लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट ए एन प्लस वन बाय ए एन इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर हमारे पास ए एन कितना है ए एन इक्वल्स टू वन बाय एन स्क्वेयर, सो ए एन प्लस वन क्या होगा यहाँ पर भी एन है उसमें एक ऐड होगा सो वन बाय यहाँ पर एन का स्क्वेयर है सो एन प्लस वन होगा और उसका स्क्वेयर होगा। ठीक है, सो ए एन प्लस वन कितना है हमारे पास वन बाय एन प्लस वन का स्क्वेयर और जो ए एन नीचे है वन बाय एन स्क्वेयर वो कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा सो इन टू एन स्क्वेयर। सो अभी हम एन स्क्वेयर कॉमन लेते सो एन स्क्वेयर और नीचे से एन स्क्वेयर कॉमन लेंगे सो यहाँ पर क्या बचेगा वन प्लस वन बाय एन का स्क्वेयर। ठीक है, सो इक्वल टू हम क्या करते हैं एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा सो क्या बचेगा वन बाय, अभी हम लिमिट पुट करते सो वन वैसे का वैसा प्लस वन बाय इनफाइनाइट यानी कि क्या होगा जीरो और उसका स्क्वायर वो भी यहाँ पर क्या होगा उसका स्क्वायर। सो इक्वल टू हमको क्या मिलेगा ये वन बाय वन का स्क्वायर यानी कि वन ही होगा। सो इसमें भी हमको लिमिट कितनी मिली वन ही मिली। ठीक है, सो ये जो सीरीज थी वो क्या थी पी इक्वल टू टू जो क्या था कन्वर्जन था और उसमें लिमिट कितनी मिली वन क्योंकि हमने एल इक्वल टू क्या लिया था वन। ठीक है, सो ये था केस नंबर थ्री जिसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे हियर वी कंसीडर फॉलोइंग टू सीरीज, दो सीरीज ली हुई है जिसमें एक कन्वर्जेंट है और दूसरी डाइवर्जेंट है लेकिन दोनों सीरीज के लिए उसकी लिमिट क्या होगी एक होगी वन होगी। सो यहाँ पर हमने क्या लिया एन इक्वल टू वन बाय एन और एन इक्वल टू वन बाय एन स्क्वेयर, सो वन बाय एन में क्या लिखेंगे हियर पी इक्वल टू वन इज डाइवर्जेंट और हम क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे सो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट एन प्लस वन बाय एन इक्वल टू क्या होगा हम एन प्लस वन की वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू पुट करेंगे और हम उसकी लिमिट फाइंड करेंगे। फिर दूसरे केस में भी हम क्या करेंगे एन प्लस एन इक्वल टू क्या रखेंगे वन बाय एन स्क्वायर, यहाँ पर क्या है हियर पी इक्वल टू टू सो पी इक्वल टू टू जो क्या है ग्रेटर देन वन सो वो क्या होगी कन्वर्जेंट होगी और उसमें भी क्या करेंगे लिमिट अप्लाई करेंगे सो लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट एन प्लस वन बाय एन इक्वल टू क्या करेंगे हम एन प्लस वन की वैल्यू पुट करेंगे और एन की वैल्यू पुट करेंगे सो उसमें भी हमको क्या मिलेगा लिमिट वन मिलेगी। जो केस थ्री में हमको क्या करना है दोनों की लिमिट फाइंड करनी है और यहाँ पर क्या होगा एक सीरीज जो है वो क्या है डाइवर्जेंट है और दूसरी कन्वर्जेंट है और दोनों की लिमिट क्या है वन, हमको सिर्फ यही प्रूव करना है। सो ये था डी आल्बर्ट रेशियो टेस्ट। सो आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।